नमस्कार, स्वादिष्ट व्यंजन डॉट ओविडिया डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम दो प्याजा। बहुत ही आसान सब्जी है, बनाएंगे हम लोग। इसके लिए जो सामग्री लेंगे, मशरूम एक पैकेट गोल कटा हुआ, और ग्रीन प्याज 5-6 गोल कटे हुए, और लहसुन 3-4 पीस ब्रीक कटा हुआ, और ग्रीन जो उसकी डंडी होती है ब्रीक कटी हुई 5-6 प्याज की, और मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, राई आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, और टमाटो प्योरी आधा पैकेट, और क्रीम एक पैकेट। सबसे पहले गैस बालेंगे, प्रोफाइल ऑयल थोड़ा सा तड़के के लगाने के लिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 टीस्पून। जब घी गर्म हो जाए अच्छी तरह से, फिर उसमें डालेंगे राई। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, जो हम सब्जी बनाने जा रहे हैं मशरूम दो प्याजा, ग्रीन प्याज लेना हमने, तभी इसका नाम रखा गया है मशरूम दो प्याजा। अगर एक प्याज की बनाते हैं उसका टेस्ट अलग आएगा, ग्रीन प्याज की हम लोग बनाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब रिफाइंड गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे राई। अच्छी तरह कड़क हो जाए, डालेंगे लहसुन ब्रीक कटा हुआ, अच्छी तरह कड़क हो जाए तो लहसुन डालेंगे। अब थोड़ी कड़क की आवाज आनी शुरू होगी, अच्छी तरह कड़क हो जाए तो डालेंगे लहसुन। अब डालेंगे लहसुन, अच्छी तरह ब्राउन करें। लाइन को काफी जल्दी सब्जी बन जाए, लहसुन ब्राउन होने के बाद डालेंगे प्याज। थोड़ी सी ब्राउन होगी लहसुन, और फिर डालेंगे प्याज। प्याज के साथ डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। जैसा टेस्ट है वैसे ही बना लीजिए आप। लाल मिर्च पीस ली आधा चम्मच, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा प्याज ब्राउन होने के बाद डालेंगे टमाटो प्यूरी। ज़्यादा ब्राउन करेंगे थोड़ा सा जल्दी मिलाए। अब डालेंगे टमाटो प्यूरी, आधा करीब डाल दीजिए, साथ ही डालेंगे क्रीम आधा पैकेट। इसके साथ ही डालेंगे मशरूम,
चिल्ला लाए और थोड़े से ग्रीन प्याज डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह भरें, सात आठ मिनट के लिए ढकेंगे, फिर हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। अब 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, सब्जी देखते हैं। अब हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब गैस बंद करें और गर्मा गर्म सब्जी तैयार हो चुकी है। अब बाउल में डाल देते हैं। हम इसके ऊपर थोड़े से ग्रीन प्याज कटे हुए डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। अब थोड़ी सी क्रीम या मलाई अच्छा बीट करने के बाद सब्जी हमारी मशरूम दो प्याज तैयार हो चुकी है 3-4 मेंबर के लिए। इसको भी आसानी से बनाया जा सकता है, कोई इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है।